आने वाले 24 घंटों में पंजाब के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बरसात से धान की फसल को फ़ायदा मिलेगा और उन्हें इस दौरान अपने खेत में छिड़काव से बचना चाहिए। हालांकि उनका मानना है कि बरसात के चलते ह्यूमिडिटी बढ़ी है, जिससे तापमान कम होने के बावजूद लोग गर्मी और घुटन महसूस कर रहे हैं। जी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो सानू फोरकास्ट आई है, वो अकॉर्डिंगली मानसून का अगेन एक्टिव फेज आ गया है, जिद ना जो कि पिछले दिनों पंजाब दे विच काफ़ी हद तक वीक मानसून रहा सी, बट दोबारा एक्टिव होना पिछले दो तीन दिनों तो बरसात चल रही है एंड अजे आने वाले 24 घंटे तक भी पूरे पंजाब दे विच लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल की फोरकास्ट है, तो नाल नाल किते किते हैवी फोरकास्ट हैवी रेनफॉल की भी फोरकास्ट है जी। इन दिनों जो रेनफॉल होंगी है तो ह्यूमिडिटी जी है 90% तो उपर हो जाती है। टेंपरेचर भावें अजक लो होंगे ने बट क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होंगी है इस करके सो हुमस वाला तो थोड़ा सफोकेटिंग मौसम होंगे है, क्योंकि किसान वीर की झोने की फसल जी है वो खेतों में खड़ी है, सो असी उन्होंने यही एडवाइस देने कि तुम ये पानी का फायदा लो, इरीगेशन ये हो जाती है तुहाडी फील्ड की, प्लस जे तुसी कोई भी स्प्रे करनी हैगी है तो स्प्रे इन्ना दिनों ना करो क्योंकि रेनफॉल की फोरकास्ट है। जागृति लहर के लिए लुधियाना से सुरेंद्र अरोड़ा, सोनी की रिपोर्ट।